कोशिश करने के बाद आरू फाइनली उठी है और वो थोड़ा थोड़ा अनार खा रही है। आरू अभी खा रही है पापड़। आरू पापड़ दे दो, तो सबको पापड़ दे दो सबको। बोलो ले आप लोग भी खा लो पापड़ मेरे साथ। वेरी गुड, एक बार और दे दो। एक बार में तो सबका नहीं होता ना बेटा, एक बार दे दो प्लीज, दे दो प्लीज, दे दो ना, दे दो। ये नाइस बेबी। आरू अभी खा रही है रोस्टेड पापड़ और देख रही है वो बेबी शार्क डू डू डू। चक्कर पे चक्कर, गोल गोल चक्कर कटे। रात के 10:10 पर आरू का चक्कर कट रहा है। वो आप सबको बोल रही है हाय हाय, हाय हाय। वो बार बार मेरा चप्पल पहनने की कोशिश करती है और उसके चप्पल तो वो पहनती ही नहीं अपना वाला, क्योंकि वो छोटा है ना, ये तो बड़ी हो गई है ना, इसको बड़े लोगों का चप्पल पहनना है। बाहर नहीं जाना बेटा, बाहर क्या करने जाना है। नो नो, अभी रात को हमको पता है तुम फ्रिज में जाओगे छाछ लोगे, छाछ नहीं मिलेगा। घुस गया, गुस्सा देखो इसका, तुम्हारा ही काम हो रहा है। इनका गुड मॉर्निंग है, यहाँ रोज गुड मॉर्निंग में रोते हुए। हाँ, अपना टीथ काउंट करा दी, लो लो ना। तो ये आ चुकी है मेरे पीछे पीछे किचन। पैसे काट दे दो डैडी को। अब ये यहाँ पे मैं ड्रॉअर खोलूंगी, अगर ड्रॉअर बंद करेगी कुछ मसाले का डब्बा निकाल के लेके जाएगी। क्या चाहिए तुमको यहाँ से? अब ये मिक्सी घुमाएगी बस अपना सारा काम। क्या हुआ बेटा? बस अब इधर आलू भिंडी सरसों की हो रही है तैयारी और आलू बेचे के बैकग्राउंड में क्या कर रही है दिखाती हूँ। डेफिनेटली नहाने गई है, नहाने गई ना वो। ये देखते इसको वापस आने ये नहाने। तब ये बस नहाएगी, तब तक हम चलते आलू भिंडी बनाने, फिर आके से तैयार भी करना है। ये गया माथे पे शैम्पू और अब ये चिल्लाएगी। अब यहाँ तेल भी गर्म हो गया है, आलू का चल रहा है नहाना। तब तक फटाफट इसमें मैं डालूंगी नमक हल्दी थोड़ा सा, क्योंकि भिंडी को भूंजना है पहले थोड़ा। करेला मुझे और आरू दोनों को पसंद नहीं है, करेला पाके के बाकी लोग खाएंगे। Oh.
दाल भी गल गया, उसको थोड़ा सा मैश करना पड़ेगा कढ़ाई में छौंकते वक्त। चूंकि नहा के वो खुद से तैयार हो रही है, आज मैंने कपड़ा पहना दिया, वो खुद को क्रीम लगाएगी आज। क्या नहीं लगाना पैर में, ये देखिए इसका हालत, पाउडर इधर, काजल इधर, ये कॉटन है, ये इसका बॉक्स है जिसमें इसका नहाने के बाद का सामान रहता है या फिर डायपर पहनाते वक्त जो फ्रेश करते वक्त लगता है। बदमाश। चलिए तब तक ये खेलती है, तब तक हम सब्जी देख लेते हैं। मैं प्याज तेल में डाल के गई थी, क्योंकि मैंने आलू और भिंडी दोनों में नमक डाला तो फिर बिल्कुल हल्का नमक डाली हूँ। थोड़ा सा हल्दी, मिल जाएगा थोड़ा उसके बाद टमाटर, पहले प्याज भूज जाएगा, फिर दाल फ्राई होगा, फिर आटा सानूंगी, फिर रोटी बनेगा, चावल आज नहीं बनेगा क्योंकि कल का थोड़ा चावल है उसी को निपटाया जाएगा, तो बाकी लोग रोटी खाएगा। तैयार हो गया है, ये चावल बचा हुआ भूज दिया है, ये आलू भरी की सब्जी रात को बनेगी तो मैंने फ्राई करके रख दिया है, ये है दोपहर में खाने के लिए सूखा भरी की सब्जी, ये आलू भिंडी करेला और दाल पूरा गर्मा गर्म, और अभी बज रहा है 12। और इस दौरान आरू क्या कर रही है, आरू यहाँ पे टीवी देख देख के अनार खा रही है। हाँ? दे दो बेटा अनार, दो खाने के लिए किसी को, दे दो दे दो दे दो दे दो किसी को तो दे दो। बस इसके बाद मैं नहा लूंगी फिर उसको खिलाऊंगी। आरू अपने लिए सनपापड़ी के डब्बे से सनपापड़ी निकाली है, प्लेट में दो पीस, डैडी को दोगी? रख दे बेटा, अभी दो ठो निकाली, एक ठो दिया तो नहीं हुआ था इसका। मम्मी लेगी क्या? खाना खाने के बाद, पर्दा वर्दा बंद करने के बाद, इसको सुलाने की कोशिश करते हुए हालत देखिए इसका यहाँ पे। ये कौन सा गेम है, ये कौन सा गेम है आरू का? हाथ में विको ले लिया, बिस्तर के चारों तो पोछा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, और कुछ लो, वो लो, वो 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 जाओ, छिपा दो छिपा दो छिपा दो। सारा खेल करने के बाद आरू अभी सो गई है। इधर दो लोगों के लिए लाल चाय चढ़ाया है और अभी इधर मैं उपमा ट्राई करूँ, उपमा बनाऊंगी, तो सबकी तैयारी पहले कर लूँ, चना मूंग दाल सरसों सूजी। मैंने लगभग 2-2.5 चम्मच घी डाला है, उसके बाद क्या सरसों जाएगा, थोड़ा गर्म होने देते हैं पहले, जस्ट घी मेल्ट हुआ है। राई का दाना, चना, प्याज जाने के बाद इसे भूनेंगे, गाजर थोड़ा लेट कर। हल्दी,
और ये नमक। लगभग बड़ी कटोरी का एक कटोरी सूजी स्टोर करती हूँ मैं बना के एक वीक के लिए। ये आराम से एक हफ्ते के लिए स्टोर हो सकता है, 10-15 दिन भी स्टोर हो सकता है। बस इसको निकालना है जितना चाहिए। आलू के लिए जनरली मैं इतना सा पोर्शन लेती हूँ, मैंने 1 टी स्पून से 2 स्पून, तो इसमें 1 कटोरी पानी, 2 मिनट बॉईल करो, हो गया उसका नाश्ता। सुबह जब भी चाहिए तो फास्ट होता है ये, या तो फिर मेरे किचन में घुस जाएगी वो हेल्प कराने के लिए। चाय भी हो गया, क्या बनाए तो है दे भैया को, तो दे दे भैया तो खा रहा, तुमको नहीं पसंद तो हम क्या करें। हाय, से हाय, बच्चे के हाथ से खाने का मजा बहुत अलग है। बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। हाँ, ये मम्मा का चाय, आलू का, मम्मा का चूरा, और बिस्तर पे गंदा है ना, तो पानी पी ले। पानी पी लो बेटा। तो आलू के चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और नए लोगों के लिए जो नए विजिटर्स हैं इस चैनल पर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल एपिसोड को पूरा देखें। ब्लॉग को 6 मिनट कभी छोटा कभी थोड़ा बड़ा होता है, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें आरू को सपोर्ट करने के लिए, हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।